सोनी चौहान, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तो आइए आज जितिया व्रत कथा के बारे में कुछ जानते हैं। जितिया पर्व को लेकर भिन्न भिन्न कहानियाँ प्रचलित है, जो हम अपनी नानी से दादी से सुनते आ रहे हैं। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबसे मैं पहले जितिया महाराज के बारे में आप सब भक्तों को बताती हूँ। एक बार की बात है, एक स्त्री भगवान सूर्य की अनंत भक्त थी। उसने अपने आंगन में गेहूं धोकर सुखाने के लिए रखा था। कुछ समय बाद अचानक आकाश में बादल छा गए, जिसे देखकर वो परेशान हो गई। मन ही मन सूर्य देवता से बोली, हे ईश्वर, आज बारिश नहीं होगा तो मैं आपके साथ एक रात्रि गुजारूंगी। फिर क्या था, धूप खिल गया और स्त्री के गेहूं सूख गए। फिर अचानक एक रात्रि भगवान सूर्य उस स्त्री के स्वप्न में आकर उससे मिलने का समय बताते हैं, लेकिन स्त्री भयभीत हो जाती है, डर जाती है और वह सुबह उठते ही अपने माँ के पास चली जाती है। सूर्य देवता अपने दिए वचन के अनुसार उसके घर आते हैं, लेकिन उस स्त्री को नहीं पाकर पास के खेत में लघुशंका से निवृत्त होते हैं। कुछ दिन बाद वो स्त्री अपने घर वापस आती है और वो अपने पास के खेतों में लहलहाते हुए साग को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो साग को तोड़ के लाती है, साग बनाती है और खाती है। उसी साग के वजह से वो गर्भवती हो जाती है और 9 माह बाद उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर भगवान सूर्य उसके स्वप्न में प्रकट होकर बताते हैं कि यह पुत्र मेरे आशीर्वाद का फल है, तुम इसका नाम ज्योतबंधन रखना। तुम सदा अपने पुत्र को अपने पास रखना, सदा ज्योतबंधन की लंबी आयु, सफल भविष्य के लिए जितिया का व्रत करना। तभी से सभी औरतें अपने बच्चे, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य और खुशहाली के लिए यह पर्व करती आई है। ये व्रत का नियम विधि विधान बहुत ही कठिन है। ये 3 दिन का व्रत है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन व्रत का और तीसरे दिन पारण करते हैं। इसी का विधान चला आ रहा है। तो चलिए सभी व्रत करते हैं और अपने बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त करते हैं। ज्योतबंधन महाराज की जय।